नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी, खुदा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर, मांग लो चश्मे तर, मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर, मांग लो, मांग लो, मांग लो। ये दर्द दिल कितनी बड़ी नेमत है। आलम इस्लाम पूरी तबाही में हर जगह पिसा हुआ था और लोग रोजाना पता नहीं लाख हजारों की तादाद में शहीद हुए, पता नहीं कैसे कैसे बम गिराए गए, पूरी पूरी बिल्डिंग जिसमें लोग रहते थे जमीन बोस कर दी गई। इस्लाम कहता है कि जब कहीं जंग करनी हो, हमला करना हो, ऐसी सूरत पेश आ जाए तो पहले उनको उनके सामने ऑप्शन रखो। वो खुद जंग को अगर अपनाते हैं, तीन ऑप्शंस रखो उनको जो तरीका इस्लाम ने बताया गया, अगर वो मान लेते हैं उनमें से खुद ही सेलेक्ट करेंगे जंग करनी है या अमन कायम करना है, क्या करना है। और अगर जंग हो जाती है, उस सूरत में इस्लाम क्या कहता है कि जब जाओ तो औरतों पर हाथ नहीं उठाना, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाना, जवानों पर भी हाथ नहीं उठाना जब तक कि वो सामने से आप पर हमला ना करें, लड़ने के लिए तैयार ना हो जाते। इस्लाम ऐसी तालीम देता है। फूलों को, पत्तों को, टहनियों को, दीवारों को, इमारात को, मसाजिद को और हत्ता के गर्जा घरों को, उनकी जो इबादत गाहें उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना। और ये हमारे बच्चों को रोगनिया में किस तरह से शहीद कर रहे थे, शाम में देखें अभी भी जारी है और दीगर मकामात पर। ये दर्द दिल जो है ना, ये बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमें इसका एहसास अता फरमाए। यकीन माने हम बचे हुए हैं तो हम बड़े मजे से बैठे हैं यहाँ पर। अल्लाह ताला ने हमें बड़े कारोबार दिए हुए हैं, बड़ी नेमतें दी हुई हैं, बड़े शौक शौक से बड़े बैठे हुए यहाँ पे। लेकिन आलम इस्लाम की जो हालत है वो हम सबके सामने है। और अब एक छोटी सी मामूली सी एक वायरस ने दिखा दिया आपको। एक वक्त आया था बबील आई थी, छोटी छोटी चुड़ियाएं, और अल्लाह ताला ने अपना मौजजा दिखाया, अपना कहर दिखाया अबाबील के जरिए से। अल्लाह ताला के पास किसी चीज की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, किसी चीज की, हर चीज पर कादिर है वो। लेकिन हमें अपने दिलों के अंदर दर्द दिल पैदा करना चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो भी। ठीक है, तो हमें जो है वो दर्द दिल अता किया गया है, तो हमें एहसास होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर करम फरमाए, हमें दर्द दिल अता फरमाए, इत्तेहाद उम्मत अता फरमाए। मैं तो तुर्की वालों को सलाम पेश करता हूँ, जिस मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं वो अपने अपने मीडिया के जरिए से, जिस तरह के वो ड्रामे बना रहे हैं खिलाफत उस्मानिया से मुतालिक, अर्तगल है और कुरुलुस उस्मान है और दीगर, ये सुन के देख के तो लोगों के दिल में लोग इश्क रसूल भी पैदा हो रहा है, मोहब्बत रसूली पैदा हो रही है, और औलिया कराम की तात, बुजुर्गों की मोहब्बत, और औलिया कराम ने किस तरह से गैबी तौर पे उनकी मदद की, अल्लाह ताला ने जो अल्लाह की राह में निकले किस तरह से मदद की, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी नज़रों के सामने इसके ज़रिए से आ रही हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे उम्मत मुस्लिमा का भला हो। मांग लो, मांग लो
چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزاج کی رات ہے مومنوں آج گنج صفا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائن دعا آج کی رات ہے